हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है जेईई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू के रेस्पेक्ट से। तो कैसे, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ बड़ी थ्योरी नहीं है, बस छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे इक्वेशन बनाने हैं और छोटे छोटे आंसर निकालने हैं और बड़े बड़े नंबर ले जाने हैं। तो आज का चैप्टर एक अस्त्र मान सकते हो जो कि आपकी प्रिपरेशन में बूस्टअप कर देगा। इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपको जो चीज़ें आपके डाउट रह गए थे टेंथ में कि वी इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला कैसे आया था, आर कैसे निकालते हैं, ये सब कैसे कैलकुलेट किया होगा, ये सब हम सीख चुके होंगे। तो मान लो मेरा कहना और इस वीडियो में बने रहना। करंट क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कौन सा चार्ज फ्लो करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो एक एटम में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और उसके अपोजिट में डायरेक्शन होगी करंट की। अब ये कैसा सेंस हुआ, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट, मान लो ऐसा ऐसा कहा है तो मान लेते हैं। तो आप देखो कि जो करंट है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। करंट को हमने कैसे डिफाइन किया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। और कन्वेंशनली अगर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन फ्लो की इधर होगी तो जो करंट होगा आपका, करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये दोनों अपोजिट होते हैं। अब करंट को हम फाइंड कैसे करते हैं, मैं आपके उसके लिए बता देता हूँ। तो करंट की बेसिक डेफिनेशन क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन। तो रेट है, रेट यानी ये dt के टर्म्स में, तो i को हम ऐसे लिख सकते हैं dq/dt, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये क्या आ जाएगा, करंट जो आ जाएगा हमारा, टोटल करंट वो हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो यानी टोटल चार्ज फ्लोन और टोटल टाइम टेकन, ये आ जाएगा हमारा एवरेज करंट, एवरेज करंट। अब अगर इसका हम टाइम ग्राफ कुछ बना दें, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंडेंट है, तो इसका कुछ ग्राफ बनाएंगे अगर, किस किस के बीच में, आई के बीच में और टी के बीच में। तो अगर ये आई का ग्राफ हो गया और ये टी का ग्राफ हो गया, अगर आई ऐसे 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 कुछ इंक्रीज कर रहा है तो इसके एरिया, एरिया अंडर द कर्व क्या देगा हमको, एरिया अंडर द कर्व। अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो ये हमको क्या देगा, ये देगा हमको कि कितना चार्ज जो है उस टाइम में फ्लो हुआ है। तो एरिया क्या देगा हमको, एरिया विल गिव टोटल चार्ज फ्लोन, ठीक है। तो कितना चार्ज फ्लो किया है वो ये बता देगा। अब अगर हम इसी की बात करें कि अगर हम एक और ग्राफ बना दें जिसमें Q और T के बीच में ग्राफ बनाया, Q वर्सेस T के बीच में, तो यहाँ पे जो इसका स्लोप होगा ये क्या देगा, करंट, स्लोप इज इक्वल टू करंट। तो इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसके बाद जो हम टॉपिक की बात करेंगे वो है करंट डेंसिटी। जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है कि करंट की डेंसिटी से रिलेटेड कुछ टर्म है, तो क्या होगा अगर हमने यहाँ पे डिफाइन किया है करंट को कि चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन आ गया यानी एरिया आ गया, और करंट डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, यही तो हो जाएगी करंट डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो करंट की डेंसिटी क्या होगी, चार्ज अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब इसी तरह से जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर मान लीजिए कि आपके पास में एक ऐसा कोई कंडक्टर दिया हुआ है, अभी मैं इसको अच्छे से बनाऊंगा, तो अगर आपके पास ये वाला एरिया आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो ये एरिया आपको एस दिया हुआ है और यहाँ पर आपको चार्ज दिया हुआ है जो करंट दिया हुआ है फ्लो कर रहा है। तो आप करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई और क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी इतने वाले एरिया से कितना चार्ज पास हो रहा है। तो एरिया निकालेंगे पहले, तो अगर इसका एंगल थीटा है तो अपॉन एस कॉस थीटा, तो करंट डेंसिटी आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी
करंट डेंसिटी। एक बार इसको नोट करो, और यहाँ पे ग्राफ जैसा आपको पता ही है कि हम कैसे निकालते हैं एरिया, तो इंटीग्रेट करेंगे हम आई डॉट डी टी, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, चार्ज आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको अभी आप मत लिखना, बाकी एक बार आप नोट कर लो और फिर मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखो तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, करंट डेंसिटी। करंट और करंट डेंसिटी में एक बार मैं आपको फिर से डिफरेंशिएट बता देता हूँ। करंट जो होता है वो होता है फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होता है करंट। और करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, और ये होती क्या है, द करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी इस, अगर ये वायर मान लेते हैं हम, तो इसमें जितना करंट फ्लो कर रहा है अपॉन इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसका वही चीज़ क्या हो जाती है, हो जाती है करंट डेंसिटी। डेंसिटी से समझ में आ रहा है कि करंट की फ्लो जो हो रहा है वो पर क्रॉस सेक्शनल एरिया में पर यूनिट टाइम में कितना हो रहा है, तो यही हो जाएगी करंट डेंसिटी। हमने ये जो इस, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ हमने क्या किया है, इस वाले वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई, और इसका क्रॉस सेक्शनल दे रखा है किसी थीटा एंगल पे हमको पता है, तो एस दे रखा है। अब मैंने ये थीटा ईटा क्यों इंक्लूड किया, डायरेक्ट मैं आपको ये दे देता। अब क्या है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें क्या हो रहा है कि आजकल किसी एंगल पे थीटा, मतलब किसी एंगल का क्रॉस सेक्शन देते हैं, तो अगर आपको ये एंगल पता है और ये आपको पता है, तो आप ये वाली चीज़ जो है, ये वाली जो चीज़ है आपके पास, ये कैसे निकाल दोगे, ये हो जाएगी एस कॉस थीटा। अब ये आपने निकाल लिए, और करंट डेंसिटी आपको पता है कि जे, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जे से। तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी आपके पास, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी करंट पर यूनिट एरिया, यानी करंट अपॉन एस कॉस थीटा, ये हो जाएगी आपकी करंट डेंसिटी। यहाँ पे लिख लो करंट डेंसिटी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको करंट डेंसिटी पता पड़ गई कि ये होता है करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसकी यूनिट बता सकते हो आप, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ये आपको पता होगा। तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। अब ये तो बात हुई कि अब जब हमारी करंट जो है यूनिफॉर्म है, अगर ये करंट बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी, करंट डेंसिटी, फॉर नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी में क्या होगा, हम इसको कैसे निकालेंगे, जी मेरे साथ ही क्वेश्चन लिखो, इन अ लॉन्ग वायर, लिखो क्वेश्चन, इन अ लॉन्ग वायर ऑफ सर्क्यूलर क्रॉस सेक्शन, सर्क्यूलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर। ठीक है, एक लॉन्ग सर्क्यूलर वायर है जिसकी रेडियस क्या है, आर, और करंट डेंसिटी जो है, करंट डेंसिटी varies with radial distance from axis, और कैसे डिफाइन करती है, एज जे इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। यानी आपके पास एक सर्क्यूलर जो वायर है, इसकी एक्सिस यहाँ से होती है और इसकी करंट डेंसिटी एस ऐसे वेरी करती है, यानी जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से उस तरह से। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड टोटल करंट फ्लोइंग
इन द वायर, फाइंड टोटल करंट फ्लोइंग इन द वायर, और इसकी जो यूनिट है यहाँ पे, यह आपको पता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, उसको ट्राई करके जल्दी से आंसर बताओ। तो जो हमने पढ़ा है, जो कि क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस। ठीक है, शायद पहले मैंने ये इंटरचेंज करके लिख दिए थे, तो मैं आपको वहाँ पे करेक्ट करके बता दिया होगा, और यहाँ पे भी देख लो। ठीक है, ये होती है चीज़। अब I इज इक्वल टू जे डॉट डी एस, तो जे हमको पता है कितना है, के एक्स स्क्वायर डॉट, जो हमारा इसका एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2πx dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, जीरो से आर तक, ये आ जाएगा हमारे पास करंट। अब इतना आ गया है, तो एक बार आप सॉल्व करके इसका आंसर निकाल के देख सकते हो। आई यहाँ से क्या आ जाएगा, 2πk तो बाहर हो जाएगा, और ये एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, तो एक्स की पावर 4/4, जीरो से आर, अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, πk आर की पावर 4/2। ये आंसर आ रहा है, तो बहुत अच्छे, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है धीरे धीरे। चलो, तो मैं आपको अगला टॉपिक समझाता हूँ। मान लो ये करंट कंडक्टर है, ठीक है, एक वायर का टुकड़ा हमने काट के यहाँ पे रख दिया, ये बैटरी है और ये स्विच है, बैटरी इससे पॉजिटिव से यहाँ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो हायर पोटेंशियल बनेगा कब, जब इसको हम क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे क्या बनेगा, लोअर पोटेंशियल। अभी इसके वायर के अंदर क्या हो रहा होगा, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इधर से उधर भाग रहे होंगे, कोई इस डायरेक्शन में भाग रहा होगा, कोई इधर भाग रहा होगा, कोई ऊपर भाग रहा होगा, कोई नीचे भाग रहा होगा, इधर उधर, सब रैंडमनेस, ऐसे स्पीड होगी, है ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स की। अब जब मैं इसको टी इज इक्वल टू जीरो पे, अच्छा पहले तो ये बात बताओ कि अभी इस कंडक्टर की वजह से कोई चार्ज आएगा या फिर कोई करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, कोई भी वायर का टुकड़ा पड़ा है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, उसको हमको हायर पोटेंशियल पर कनेक्ट करना पड़ता है कंडक्टर करंट फ्लो करवाने के लिए। ठीक है, जैसे अगर ये मेटल का पार्ट पड़ा हुआ है, तो ये पड़ा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भाग रहे हैं, पर इसमें करंट नहीं है, तो वो कब होगा, जब उस पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यानी उसके अक्रॉस एक वोल्टेज होगा, तब उसमें करंट फ्लो करेगा। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो नेट, जो वी एवरेज है ना, अभी किसी कंडक्टर में वो क्या है, जीरो, सारी वेलोसिटीज, जो इनिशियल वेलोसिटीज है कनेक्ट करने से पहले, तो वो क्या है, जीरो। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको टी इज इक्वल टू जीरो पे इसको कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे आ गया हायर पोटेंशियल और यहाँ पे क्या आ गया, लोअर पोटेंशियल। इसकी वजह से अब क्या होगा, देखना सुनना, इसकी वजह से क्या होगा, अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, उसके अक्रॉस क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। कैसे आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होती है, पोटेंशियल घटता है, तो पोटेंशियल हायर पोटेंशियल लोअर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ गई, इस डायरेक्शन में आ गई। ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, है ना। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर क्या हो रहा होगा, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर क्या हो रहा होगा, इस पे एक फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। पर अब ये इलेक्ट्रॉन जो है बाकी के आसपास के जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से सीधे पार्ट्स में तो जा नहीं पाएगा, अगर ये यहाँ से जाना चाहेगा तो यहाँ से टकराएगा, फिर यहाँ से टकराएगा, टकरा के इवेंचुअली यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है, तो इसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, पर ये कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे। और हमने इस चैप्टर की फर्स्ट लाइन लिखी है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट क्या होता है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे टकरा के अगर इधर उधर पहुंचेंगे, ठीक है, तो नेट जो हमारी करंट आएगा या नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में आएगा, और करंट की डायरेक्शन किधर आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, तो हमने डिफाइन भी ऐसे ही किया था कि जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन होती है वो फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होती है। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आ गई ये बात।
अगर नहीं आई है तो एक बार वापस से पीछे करके देख लो और इसकी थ्योरी जो है मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो एक बार इसको अच्छे से समझो इसमें क्या हो रहा है, फिर आगे की बात करेंगे। अब ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है इसमें, जो इन इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी हो जाती है बाद वाली, है ना, वही क्या हो जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको आगे की कहानी लिखवाता हूँ। चलो इसको समझो एक बार आप। ठीक है, अब आगे की कहानी लिखो। When switch was open, switch open था जब, क्या हो रहा था, every electron was in random motion, सारे जो electrons है black वाले वो क्या थे, random motion में थे। तो when switch was open, all the electrons were in random motion, behaving like gas molecule. अब gas molecule की तरह behave कर रहे थे, आपने ideal gas में पढ़ा होगा, जब ideal gas होती है वो क्या होती है, random होती है। ठीक है, तो बताओ ये सारे गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम ही होते हैं, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, गैस मॉलिक्यूल्स की तरह। तो व्हेन द स्विच वाज ओपन द इलेक्ट्रॉन्स वर बिहेविंग लाइक रैंडम, या फिर ऐसा लिखो द इलेक्ट्रॉन्स वाज इन रैंडम मोशन बिहेविंग लाइक गैस मॉलिक्यूल्स, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखो, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स towards higher potential, electrons क्या experience करेंगे, a force towards higher potential due to electric field generated by external battery. तो इसमें लिखो after closing the switch, electron will start moving या experience a force towards the higher potential due to external voltage, और electrons will start moving towards higher potential. But because of continuous collisions, जो electrons के collisions हो रहे हैं उनकी वजह से क्या होगा, वो सीधे path में move नहीं कर पाएगा, उसका path कैसा होगा, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, तो due to collision they cannot move in a straight line. ठीक है, ये आपको समझा दिया मैंने, due to collisions they cannot move in a straight line. आगे लिखो, in a current carrying conductor, यानी करंट जो कैरी कर रहा है वो वाला कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट कंटिन्यूसली एक्सेलरेट, मतलब अब हाँ एक चीज और कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब इनका मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में होता तो ये कंटिन्यूसली एक्सेलरेट कर पाते, पर ये क्या हो रहा है, अब ये क्या हो रहा है, ये से टकरा टकरा के जा रहे हैं, तो कंटिन्यूसली एक्सेलरेट नहीं कर रहे, कभी डिसेलरेट भी कर रहे हैं और कभी एक्सेलरेट भी कर रहे हैं। जब भी कोलिजन होता है तो इलेक्ट्रॉन रुक जाता है और फिर वापस से ये मोशन करता है। तो इसमें क्या समझाया इस पॉइंट में, इन द करंट कैरिंग कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट कंटिन्यूसली एक्सेलरेट, दे विल डिसेलरेट एंड अगेन एक्सेलरेट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो दे विल एक्सेलरेट एंड विल कम टू रेस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर कोलिजन एंड देन अगेन एक्सेलरेट। ठीक है, तो वही बात है जो मैंने आपको समझाई है कि जो पहले रुकेंगे फिर एक्सेलरेट करेंगे फिर रुकेंगे फिर एक्सेलरेट करेंगे और ऐसे चलता रहेगा। ऑल्दो, अब लास्ट पॉइंट है, ऑल्दो ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सेलरेशन, ऑल्दो हम जो मान रहे हैं कि ये सारे जो मोशन कर रहे हैं ये सब एक्सेलरेशन ही है, और वी हैव अज्यूम that electrons are moving with an average velocity known as drift velocity या drift speed. Although each and every particle in acceleration we have assumed, in acceleration comma we have assumed that all the particles moving, यानी all the particles कौन से हो गए, electrons, तो bracket में लिख दो electrons. Although each and every particle bracket में electrons is accelerating, we have assumed accelerating comma we have assumed bracket mein electrons are moving with an average speed called drift speed. अब कुल मिला के ये जो drift speed है इसकी वो किस पर depend कर रही है, यहाँ की electric field पे। तो यहाँ पे जो Vd हो जाएगा ये किस पर depend कर रहा है, E पे। ठीक है, तो हम यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक मोबिलिटी फैक्टर करके एक कांस्टेंट हम लेते हैं और इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की लिख देते हैं, ये क्या होता है, मोबिलिटी फैक्टर।
अब ये क्या होता है, इसको आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अगर बोर्ड में आ जाए तो ये लिख के आ जाना, बाकी हो गया। और मैं समझा देता हूँ मोबिलिटी फैक्टर क्या होता है कि इजीनेस ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ, मतलब किसी भी पार्टिकल को कितना इजी है, यानी कितना मोबाइल है एक एक कंडक्टर में मूव करने के लिए, वो कितना इजीली है, यानी उसकी मोबिलिटी क्या है। अब मैं यहाँ पे आराम से जगह है तो मैं घूम सकता हूँ, तो ये मेरा मोबिलिटी फैक्टर हो गया कि मैं यहाँ पे कितने आराम से घूम सकता हूँ। ठीक है, चलो एक छोटा सा नोट लिख लो कि ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है, नोट, ड्रिफ्ट स्पीड इज ऑफ द फैक्टर ऑफ, यानी कितनी होती है, कितनी ज्यादा होती है, ये होती है mm पर सेकेंड। आप बोलोगे सर हम तो काइनामेटिक्स में मीटर किलोमीटर में हम मेजर करते थे, आप तो mm में पढ़ा रहे हो, ये क्या बहुत बड़ी चीज हो गई। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन्स की साइज कितनी होती है, 10^-16 -31, इतना छोटा होता है उसकी रेडियस, और ये 10^-3, यानी कितने लाखों करोड़ों, लाखों करोड़ों कितने हैं एक सेकंड में, लाखों करोड़ों गुना डिस्टेंस, खुद से जितना बड़ा है उसके लाख गुना करोड़ गुना, पता नहीं कितना, 10^-3 और -31 कितना ज़्यादा होता है। ठीक है, उतना डिस्टेंस अगर आपको बोले कि यहाँ से सूरज तक चले जाओ एक सेकंड के अंदर, तो वो वाली स्पीड हो गई है ये, सूरज तो फिर भी पास है, ये तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रिफ्ट स्पीड इज ऑफ द फैक्टर ऑफ mm पर सेकंड, ये आपको याद रखनी है। अगर जो नीट या जेई के जो आजकल के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें कभी पूछ ले तो आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि क्या होगा कि करंट जो होगा, अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो सिलेंडर है, यानी जो अभी हमने पढ़ा है ये जनरल है ना, अब हम सिलेंड्रिकल कंडक्टर में पढ़ेंगे कि सिलेंड्रिकल कंडक्टर में क्या क्या होता है, यानी जो आपका जो वायर है ये सिलेंड्रिकल, अगर इसको वायर माने तो ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर हो जाएगा। तो इसको नोट करो, वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लो, बाकी बहुत इजी चीज है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो, तो अगला है हमारा करंट इन सिलेंड्रिकल कंडक्टर। अभी भी हमने सिलेंड्रिकल कंडक्टर में बात की थी पर वो जनरल था, अगर आप वेरिएबल भी ले लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था अभी तक जो हमने पिछले जो ड्रिफ्ट स्पीड में पढ़ा। पर अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेंड्रिकल ही है हमारे पास तो हमारा क्या होगा। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम मान रहे हैं कि जब हमने इसको बंद कर दिया है, किसको, बैटरी को, ठीक है, ये बंद है तो अब हमारे पास क्या हो रहा होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स को मैं मान रहा हूँ जो एवरेज है ना, वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स घूम घूम के जाएगा पर जो एवरेज है स्पीड वो क्या है, वो तो एक ही डायरेक्शन में होगी और वो इधर ही होगी। ठीक है, तो वो कितनी है, वी डी। ठीक है, और वी डी क्या है कि एक सेकंड में, अब बताओ अगर स्पीड इसकी VD है तो डिस्टेंस एक सेकंड में कितना कवर करेगा, VD। ठीक है, एक सेकंड में तो VD करेगा, तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये मैंने मान लिया ये VD है। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, या फिर ऐसा बोले कि जो N है इसका, इलेक्ट्रॉन फ्री डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन फ्री डेंसिटी, ये क्या है, n, यानी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कितनी स्पीड है उनकी, और ये वायर कितना है, ये वायर कितना है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता ही है e होता है, और इसका क्रॉस सेक्शनल कितना है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है a। ठीक है, L वैसे कुछ काम नहीं आएगा, अगर L लेंथ का कोई वायर है तो हमने निकाल लिया, चलो ठीक है। अब हम लिखते हैं इसकी VD, VD कैसे निकालेंगे हम, तो VD तो हमने हम क्या निकालने वाले हैं इसमें, करंट। ठीक है, VD तो हमको पता है, VD कितना था, VD इज इक्वल टू म्यू इन टू ई। ठीक है, तो ये तो हमको पता है, करंट निकालते हैं कि अब इसमें करंट कितना फ्लो होगा, यही चीज जो है ये ट्वेल्थ में पढ़नी है, बाकी जो आपने है थोड़ा बहुत आपने अभी तक पढ़ रखा होगा। अब करंट है, करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो रेट हम एक सेकंड में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रेट में टाइम कितना हो जाएगा, वन सेकेंड। अब उनको निकालना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो अब चार्ज कितने हैं,
इस एरिया में बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे कोई चार्ज है वो यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, है ना, तो इस एरिया में बात कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ आने में उसको टाइम, जो स्पीड है उसकी वीडी होगा और डिस्टेंस कितना होगा वीडी, तो इतने एरिया में, यानी ये डिस्टेंस भी तो हो जाएगा, ये स्पीड के साथ साथ डिस्टेंस भी है ना, अगर इतने इतने पार्ट के अगर वॉल्यूम निकालूं तो क्या हो जाएगा, ए इंटू वीडी, और चार्ज कितने यहाँ पे इतने, तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि जो चार्ज है नंबर ऑफ चार्ज इंटू वॉल्यूम, ठीक है, इंटू वॉल्यूम कितना हमारा वी डी इंटू ए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो रेट ऑफ फ्लो में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस एरिया में, यही तो फ्लो करेंगे, तो इतने एरिया में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्लो करके निकलेंगे, तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स के नंबर और ये हो गया उसका वॉल्यूम, और चार्ज भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो होता है ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो होता है करंट, है ना, हम उसको इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज कितना है उसका ई, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू वॉल्यूम इंटू चार्ज, ये कितना होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं वी डी ई एन ए। अब इसको याद करने की हम क्या लिख सकते हैं, वीना, है ना, अब ये वीना कोई हो तो बुरा मत मानना, इसको चार्ज को याद करने का शॉर्ट ट्रिक है या निमोनिक है, है ना, तो ये आपको याद करना है, और इस पर से सर्कल हटा देता हूँ, आप इसको याद मत कर लेना, ठीक है, आई को याद करने का वीना, हमने बहुत इजीली इसको डिराइव कर दिया। देखो इसमें कुछ आपको समझ नहीं आया हो तो एक हमने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था, सिलेंड्रिकल का था वो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है वो हमने मान ली है, ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो हमने मान ली वीडी, अब वीडी इतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेंगे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को, यहाँ पे जितने होंगे वो, अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर इसको हटा दूं मैं और यहाँ पे देखूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको क्रॉस कर रहे होंगे इस सरफेस को, इतने ही एक सेकंड में तो इतने ही करेंगे, तो यहाँ का एरिया इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज, ये क्या हो जाएगा करंट हो जाएगा। एक बार इसको आप नोट करो फिर आगे देखते हैं। अब आप कहोगे सर हम इतनी देर से ये सब निकाल रहे हैं पर जो हमारा फेवरेट फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर वो कैसे निकला सर, वो बताओ सर उसका डेरिवेशन वो कहाँ से आया, टेंथ क्लास में हम सोच सोच के समझ ही नहीं पाए सर, टीचर ने कहा कि बस याद कर लो पर जो ओम्स लॉ है वो डिराइव कैसे हुआ सर वो बताओ आप, तो चलो तो उसको भी डिराइव कर लेते हैं। अब आगे देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता होगा कि जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो हमने निकाली थी कि जो इनिशियल थी वो इधर उधर भाग रहा था वो क्या है, उसको हम यू मान लेते हैं, यू है ना, इनिशियल वेलोसिटी को यू मान लेते हैं, और कौन सी इक्वेशन लगा देते हैं हम, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वी क्या है, स्पीड है, स्पीड है, ये वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज नहीं है, ये वोल्टेज अब निकालेंगे, ठीक है, तो वोल्टेज, अब ए हमको फाइंड करना है तो ए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितना होता है, फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, फोर्स कितना हो जाएगा क्यू ई, और मास कितना हो जाएगा एम, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना ही होता है एम मान लेते हैं। अब इसको यूज करते हुए आगे का डेरिवेशन करते हैं, तो मैं इसको इरेज करता हूँ और आप ये वाली चीज याद रख लेना, आई इज इक्वल टू वीना, वीना कौन आई। जब इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे जो रेजिस्टेंस के आप जो सर्किट सॉल्व करने, इस चैप्टर को जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है जो सर्किट वो भी आएंगे, बस एक दो लेक्चर में आप ये समझ लो, अभी तक कोई डाउट आया है क्या, वैसे ही आगे वाली डेरिवेशन में भी आपको कोई डाउट नहीं आएगा इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, बने रहना एंड तक, एंड तक बने रहना। अब हमने क्या किया, हमको पता है नाउ वी नो, हम क्या जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं पर हमको एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है, तो नाउ वी नो, पर अब ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे पढ़ोगे तो सब याद रहेगा। नाउ वी नो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी वजह से हर इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, मोशन में थे, और वो किससे भाग रहे थे, नॉन जीरो वेलोसिटी से, ठीक है, तो हमको क्या पता है कि एवरी इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन जीरो। वी नो इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या बोला मैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन जीरो. क्या है? नॉन जीरो है. अब क्या होगा? हमने क्या मान लिया? ये नॉन जीरो है. विच वी कॉल एज बताओ. ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई. फाइनल वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नॉन जीरो विच वी कॉल एज ड्रिफ्ट. क्या कहते हैं उसको? ड्रिफ्ट स्पीड. तो अब हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट फॉर अ पार्टिकल वी फाइनल इज इक्वल टू, या वी इज इक्वल टू वी वन मान लो. वी वन इज इक्वल टू यू वन प्लस फोर्स. वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ए कितना था अभी हमने निकाला था? ए कितना था? क्यू ई बाय एम. तो ए कितना हो गया? क्यू ई अपॉन एम इंटू टी वन. ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या लिख देंगे? क्यू ई बाय एम इंटू टी टू. ऐसे ही वी थ्री यू थ्री प्लस क्यू ई बाय एम इंटू टी थ्री. ऐसे करते 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 पूरे कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसकी इक्वेशन हम नहीं लिखने वाले. इतना थोड़ी पॉसिबल है भाई, कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इतना लिख के हम इसको ऐड कर देते हैं. कोई दिक्कत, समस्या? ठीक है, तो इसको ऐड कर देते हैं. तो ऐड करने पे ये क्या बनेगा? मान लेते हैं ये सिग्मा वी आई बन रहा है और इसकी एवरेज है ना, तो इन सब का. ठीक है, तो ये एन इक्वेशन से यहाँ पे हम एन लिख देते हैं. तो वी आई इज इक्वल टू इन सबको ऐड करेंगे तो सिग्मा यू आई, और ये क्या हो जाएगा? प्लस एन टाइम्स, है ना, एन टाइम्स ऑफ क्यू ई अपॉन एम इंटू सिग्मा टी. ठीक है, हमने क्या किया? इनको ऐड ही तो किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये हमको पता है इनिशियल जो सबकी स्पीड का सम होता है, यानी जो एक कंडक्टर में पड़ा हुआ है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसका सम करेंगे तो क्या आएगा? जीरो. ठीक है, अब आगे देखते हैं. ये वाला एन इसके नीचे ले आते हैं. ये क्या हो गया? सबका सम, फाइनल सबका सम अपॉन एन. ये क्या हो गई? एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या होती है? ड्रिफ्ट स्पीड. तो हमने यहाँ से लिख दिया वी डी. हम क्या निकाल रहे हैं? V और I में रिलेशन. V और I कौन सा? पोटेंशियल और करंट में रिलेशन. पोटेंशियल और करंट में रिलेशन निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? अभी हमने एक इक्वेशन लिखी है जिसमें हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूटन की फर्स्ट लॉ की इक्वेशन लगा दी. न्यूटन यहाँ पे भी आ गया. चलो, तो न्यूटन भैया तो सब चैप्टर में आके अपना कमाल दिखाते रहेंगे. हम इसको आगे सॉल्व करते हैं. ये जीरो हो गया, इधर एन इधर चला गया. अब ये क्या बचा? क्यू ई अपॉन एम इंटू टाउ. अब ये टाउ क्या है? ये टाइम कॉन्स्टेंट है. ठीक है, सारे टाइम को ऐड करके और जो एवरेज टाइम आ रहा है वो है टाउ. टॉर्क नहीं है. चलो, अब वी डी को हमने पिछले फॉर्मूले में क्या लिखा था? आई इज इक्वल टू वी ई एन ए वी डी. वी डी वहां से निकाल लो कितना. इसको हमने लिख दिया वी डी इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम इंटू टाउ, या इसको ऐसा लिख दो टाउ इंटू ई. अब क्या काम आएगा हमारा? अब काम आएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. यहाँ से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो आगे दो फॉर्मूले. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी बाय एल होता है, और वी डी कितना हो जाएगा? आई अपॉन ई एन ए. कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? अभी तक कोई भी दिक्कत, समस्या और परेशानी नहीं है ना. और यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हो, Q को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? यहाँ पे Q जो है वो E के बराबर ही तो है. यहाँ से सारी इक्वेशंस पुट कर दो. I आ गया हमारे पास, V आ गया, करंट आ गया, पोटेंशियल आ गया. पुट कर दो भैया, आ गया हमारा रिलेशन Q अपॉन एम टाउ
इंटू वी बाय एल, और ये क्या है ई एन ए, V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो V इधर लाओ और I उधर ले जाओ और जो भी बचा वो क्या हो जाएगा R, तो क्या क्या बच रहा है V इधर गए ठीक है, तो अपॉन में क्या बच रहा है E एन A, E एन A Q इंटू टाउ, और ये ऊपर जाएंगे तो M L, और Q कितना है हमारा E, तो E स्क्वायर लिख दिया, यही तो हो गया हमारा क्या कहते हैं इसको रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। आप बोलोगे सर हमने तो क्या पढ़ा था, ये क्या हो रहा है, हमने क्या पढ़ा था और क्या हो रहा है, तो ये जादू चमत्कार कुछ भी नहीं हो रहा है, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो एम यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल यहाँ पे जो लेंथ है हम जिसमें डील कर रहे हैं उसमें ठीक है, ई जो है उसका चार्ज हो गया, एन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, एफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, ए क्या है जिस कंडक्टर में हम एरिया है, और टाउ क्या है टाइम कांस्टेंट है। अब इसको एक बार आप देखो, फिर एक और चमत्कार दिखाता हूँ, इसको रेजिस्टेंस है, इसको याद कर लेना बेटा, अभी बहुत पूछा जा रहा है, लर्न इट, बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, इसको अच्छे से याद कर लोगे तो सुधर जाओगे, क्या सुधर जाओगे एग्जाम में मार्क्स, यह आ जाता है, आ गया तो टिक करने का और आगे बढ़ने का। V इज इक्वल टू आई आर, आर थोड़ा सा गंदा है, इसको अभी हम सिंप्लीफाई करते हैं। चलो तो इसको एक बार नोट कर लो, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो, एक बार वापस से देख लेना, क्योंकि ये डेरिवेशन अगर आपने कर दिया एग्जाम में बोर्ड्स में तो 6 नंबर 7 नंबर या 5 नंबर जितने का भी पेपर क्वेश्चन आएगा आपके पूरे आ जाएंगे। तो 70 में से या 70 का ही पेपर होता है शायद, अभी कोरोना में कुछ आगे पीछे हो गया होगा, 70 का पेपर में से 5 नंबर आ गए तो कितनी परसेंट तो आपको यहीं से मिल गई, एक वीडियो से कितनी परसेंट ले लिया आपने। चलो तो इसको एक बार आप देख लो, वीडियो देखने के बाद नोट करने के बाद एक रफ कॉपी में एक बार ट्राई जरूर कर लेना, 5 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। तो बेटा आप लोगों ने इसको देखा ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर ठीक है, हमको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो ये R क्या है यही है, इसको याद करो। अभी एक चीज और दिखाऊंगा मैं, एक चीज और दिखाऊंगा, एक बार इसको याद करो ठीक है, करा याद, मैं आगे का इरेज कर रहा हूँ। अब हमको पता है कि जो करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी हमको पता है ना, वो होती है कंडक्टिविटी, अभी हमने देखा था ना करंट डेंसिटी, तो कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होती है कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे है अभी मैं प्रूफ कर देता हूँ। देखो जे जो है वो था हमारा एन ई यू ई, आप बोलोगे सर आपने तो प्रोपोर्शनल यू ई दिखाया था, अरे तो करंट भी तो आएगा मेरे भाई ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख देते हैं, जो सिग्मा है कंडक्टिविटी ठीक है, सिग्मा यानी नल, मजाक ठीक है, एन ई यू क्या है ये कंडक्टिविटी, क्या कहते हैं इसको कंडक्टिविटी, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कंडक्टिविटी ठीक है। अब हमको पता है कि कंडक्टिविटी इज इन्वर्सली या फिर रेसिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 1/σ होता है, ओह सॉरी 1/ रेजिस्टिविटी इंटू ई, तो नहीं आएगा ना वो, तो ये हो जाएगा, ये हमको पता है वी नो। अब हम क्या जादू कर रहे हैं सर, आप ये क्या क्या लिखवा रहे हो इतने सारे इक्वेशंस, कोई बात नहीं, इक्वेशन ज़्यादा है दिमाग में समझ आने वाली चीज़ है, ये आपको पता है, याद करने में थोड़ा सा लगेगा पर हो जाएगा, हमने भी किया आप भी कर लोगे, आप तो हमसे भी स्मार्ट बच्चे हैं सारे। चलो तो सिग्मा हमको पता है 1/ρ, अब हम इसको तोड़ मरोड़ के सारा जोड़ देंगे, यहाँ से इसमें डालो यहाँ से उसमें डाल के, जो हमारा जे है वो क्या आ जाएगा 1/ρ इंटू ई, और ई क्या होता है वी बाय एल, और जे क्या होता है आई अपॉन ए इज इक्वल टू 1/ρ वी बाय एल, लिख सकते हैं ऐसा। अब हमको पता है V इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, तो V इज इक्वल टू आई और बचा हुआ सारा R, तो ये मैं लिखा रहने देता हूँ, यहाँ यहाँ से मिटा देता हूँ।
यहाँ यहाँ से साफ कर दिया, बाकी ये वाली इक्वेशन रहने देती। हमने कहा था V is equal to IR होता है, तो V रखो, I को रखो, बाकी सब R, तो V is equal to I, और R में क्या हो गया, रो L अपॉन A। अब याद आया कुछ, ये भी क्या होता है, R होता है, तो V is equal to IR, ये भी क्या हो गया, R, है ना, बोलो सही बात है ना, यही तो होता है, R is equal to रो L अपॉन A, ये हम लिखते हैं, इसको भी लिख लो साइड में। अब देखो ये भी आ रहे है और ये भी आ रहे है, तो इन दोनों को कंपेयर कर दो, फ्रॉम इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू, फ्रॉम या फिर ऐसे लिखो ऑन कंपेयरिंग आर फ्रॉम इक्वेशन वन वन एंड टू, क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम एल ई स्क्वायर एन ए टाउ, ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल, यहां से रो की वैल्यू क्या आ गई, रो इज इक्वल टू एम अपॉन ई स्क्वायर एन टाउ, ये भी याद कर लेना, पूछा जा सकता है, लर्न इट। बस अब खत्म होगा डेरिवेशन, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से आएंगे, ठीक है, एक बार आप देखो इसको समझो, और कुछ नहीं समझ में आता है तो बताओ, डाउट क्लास में भी पूछ सकते हो। तो ये चीज अगर आपने याद कर ली है, ये वाली चीज आपने समझ के याद कर ली है, तो आपके बोर्ड्स में 10 नंबर, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स भी तो आएंगे, तो बोर्ड्स में मिनिमम 8 नंबर, तो मान लो मिनिमम 8 नंबर, और जेई नीट में कम से कम भी 4 से 8 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, इतना सा समझ लो बस। अब हम ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो करंट कैरिंग होमोजीनस वायर में, करंट कैरिंग होमोजीनस वायर में, होमोजीनस क्या, जहां पे कंटेंट यानी वायर का जो कंटेंट है वो सेम रहे, यानी अगर वो एल्यूमिनियम का बना है तो एल्यूमिनियम का कंपोजिशन सेम रहे, होमोजीनियस आपने 9th-10th में पढ़ा है। तो इन अ कंडक्टिंग वायर ऑफ होमोजीनियस मटेरियल पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन इट, और यही क्या कहता है, यही हो जाता है ओम्स लॉ। तो इन ए होमोजीनियस कंडक्टिंग वायर या कंडक्टर द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड इट इज नोन एज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ इतना ही कहता है। अब आने वाले कल में, आने वाला कल यानी अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर इसका पोटेंशियल ए है, इसका पोटेंशियल बी है, तो वी बी माइनस वी ए जो हो जाएगा, अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो ये हो जाएगा आई आर के बराबर, ये हम सीखेंगे कल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आगे के टॉपिक्स में, आगे वाला टॉपिक भी थोड़ा सा थ्योरी वाला है, फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और धनाधन मजा आने लग जाएगा। तो इसको एक बार आप ट्राई कर लेना, इसका होमवर्क कुछ नहीं है, आप इसको एक बार कॉपी में खुद से ट्राई करो, और फिर हम अगले सेशन में मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लो यार, डाउट क्लास फ़ायदा होगा आपको, तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, बुला लो कि यहाँ पे लाइव क्विज भी होती है 9 PM पे, तो 9 PM पे भी ज्वाइन कर सकते हो इसको टेस्ट करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।